हेलो क्लास, स्वागत है सभी लोगों का आज की इस क्लास में। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 जो मैट्रिक्स हमारी चल रही है, उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आप लोगों को समझा चुका हूँ अच्छे से। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिए आप यहां से। बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। सवाल हमारा क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है और 2x2 का मतलब क्या है यहां पर, यहां पर हमें क्या दे रखा है भाई, ऑर्डर दे रखा है। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं इस सवाल को। हमें ऑर्डर कितना दे रखा है इस सवाल में, 2x2 का ऑर्डर दे रखा है। मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हमारी रोज होंगी 2 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2 ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखी है, ए आई और जे। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। Whose elements are given by? भाई एलिमेंट्स हमें पहला दे रखा है, पहला सवाल अब इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सवाल मैं आप लोगों को समझाऊंगा, देन आगे के जो 2 सवाल है सेम एज इट इज वो आप लोगों को ट्राई करने हैं। ठीक है, आई प्लस में जे इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें देखो 2x2 मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब ये मैट्रिक्स बनेगी कौन सी एक्चुअली में, ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आप कहां से लेके आ गए, ए 11, ए 12, 21, 22। भाई मैंने क्या बोला था, हमें एलिमेंट निकालने हैं, तो पहला रो का पहला एलिमेंट क्या होता है, ए 11। पहली रो का दूसरा एलिमेंट ए 12 होगा, क्योंकि एक फिक्स रहेगा, आई फिक्स रहेगा। अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट 21 होगा, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 22 हो जाएगा। हमें सिर्फ 2x2 ही चाहिए थी, तो यहीं तक हमें सीमित रखना है, क्योंकि 2 ही रो चाहिए, 2 रो हो गई, 2 ही कॉलम चाहिए, तो 2 ही कॉलम भी हमारे पास है। अब सबसे पहले देखो, हमें ए 11 निकालना है और वो मैट्रिक्स निकाल के बतानी है। तो ए आई जे की जगह आपको क्या रखना है, दोनों की जगह 1 1 रखना है, मींस आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर हमें यहां से करना है डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 2। तो ए 11 मेरे पास आ गया है 2। भाई सेकंड में निकालता हूं यहां से, ए 12 निकाल लेते हैं अब यहां से। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, आई बराबर 1 है और जे बराबर 2 है। तो ए 12 मेरे पास क्या निकल करके आएगा, 1 + 2, यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 3। 3 × 9 / 2 हमारे पास आ गया है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मैं यहां से निकालता हूं ए 21। ये निकालेंगे, यहां पर आई कितना है, 2 है, पहला हमेशा आई होगा, और जे बराबर यहां पर 1 है। भाई निकालो अब सवाल को, यहां पर सेम ये वैल्यूज यहां पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सेम 9/2 हमारे पास आ गया। ऐसे ही मैं निकालूंगा ए 22। ए 22 में क्या है, ए आई बराबर 2 है और जे बराबर भी 2 है, ये वैल्यूज भी रख दीजिए। मतलब अब की बार हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर / 2 हमारे पास हो जाएगा, 16/2, यानी कि 8 हो जाएगा। अब इन सारे एलिमेंट जो हमने निकाले हैं ना, वो इस मैट्रिक्स में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए 11 हमने 2 निकाला था, ए 12 हमने 9/2 निकाला था, ए 21 भी हमने 9/2 निकाला था, और ये हमने 8 निकाला था। तो जो हमें मैट्रिक्स रिक्वायर्ड थी ना, वो ये निकल करके यहां से आएगी। तो सेम वैल्यूज ऐसे ही हैं, 2x2 निकालनी है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ताकि आपको एक ध्यान में हो जाए कि हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है। ऐसे ही आप नेक्स्ट सवाल को भी कर सकते हो, भाई निकालने अब ये चारों, ये तीनों सवाल में ए 11, 12, 21 और 22। अब मैं यहीं से थोड़ा सा निकाल के बता देता हूं, जैसे इसके लिए ए 11 कितना आएगा, मतलब आई और जे की वैल्यू सेम, अब सेम वैल्यू है तो 1/1 एक ही होता है। ए 12 कितना आ जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। ए 21 कितना हमारे पास आएगा, यानी कि आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। और ए 22 हमारे पास आ जाएगा 2/2, मतलब कि फिर से एक आ जाएगा। अब इसको आपको मैट्रिक्स में रख देना है भाई, सिंपल से सवाल है। इस सवाल को आप लोग ट्राई करेंगे सेम आई और जे की वैल्यू निकालकर, और एज ए होमवर्क आपको लोगों के लिए सवाल रहेगा। अब ये तो बहुत ही एक आसान सवाल था जो आपने आराम से कर लिया, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स हमें निकाल के बतानी थी। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा चेंज है, ऑर्डर चेंज कर दिया इसमें। उम्मीद करूंगा यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
अगले सवाल में हमें क्या दे रखी है, 3x4 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। मतलब इसका मतलब समझा करो सबसे पहले, किसी भी सवाल को निकालने के लिए उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, कैसे पूछा क्या जा रहा है, हम क्या उसमें कर सकते हैं। अब देखो 3x4 की मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर रो कितनी है भाई, 3 है, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं भाई, 4 है। मैंने बताया था कि पहला जो होता है एलिमेंट, पहला जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ रोज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नंबर होता है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। वही आप देखिए, यहां से मैं आपको बता देता हूं निकाल के कि ए 3x4, मतलब देखिए रो 3 होनी है, कॉलम 4 तक जाना है आपको, ठीक है, कॉलम 4 तक जाना है। मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट ए 11, दूसरा एलिमेंट ए 12, तीसरा 13 और चौथा 14, कितने कॉलम हो गए, 4। ऐसे ही रो 3 होनी चाहिए। अब एक 21 हो जाएगा, दूसरा वाला आप निकाल सकते हैं 23 और 24, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी और ये लास्ट रो आ जाएगी, लास्ट रो में 31 हो जाएगा, सेम 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34। अब घबराना नहीं है, इस सवाल में सेम वही सवाल पूछा गया है, हमें पहला सवाल दे रखा है, दूसरा दे रखा है, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं इस वाले सवाल को, देन अगले वाला सवाल मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। सवाल मैं आपको पहला समझा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर मोड हमें दिया गया है, तो अगर मोड हमें दिया गया है तो मोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मोड का कई लोगों को मतलब भी नहीं पता होगा कि मोड हमें एक्चुअली में करना क्या होता है ना मोड के अंदर, वो मैं समझा देता हूं। ठीक है, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास एक सवाल है ए आई जे, हमें क्या दे रखा है, 1/2। अब ये मोड में दे रखा है 3i+j, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस मोड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी नेगेटिव पॉजिटिव, हमें बाहर आंसर पॉजिटिव में लेके चलना है, सिंपल सी बात है। अब मैं यहां से देखिए एक निकाल के बता देता हूं, ए ग्यारह का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर आई की वैल्यू 1 लेनी है, जे की वैल्यू भी आप लोगों को 1 लेकर चलना है भाई। निकालो ए 11 निकाल के देखिए, यहां से 1/2 आ जाएगा, ये -3×1+1, वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, -3+1 आ रहा है हमारे पास। ये अंदर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, कितना बचेगा, -2, यानी कि 1/2 और -2। अब मैंने आपको बताया था मोड में पॉजिटिव लेते हैं, मतलब कि बाहर जब ये निकल कर आएगा तो पॉजिटिव का 2 बनकर आएगा और 2 से 2 चला जाएगा, 1 आंसर आएगा। ये निकालने का तरीका होता है अगर कोई भी जो वैल्यू हमारे पास मोड में होती है। मैंने एक निकाल के बता दिया है, फिर भी मैं एक और आपको बताऊंगा, ए 12 भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे निकाला जाएगा। ए 12 का मतलब अच्छे से ध्यान रखा करो, 12 का मतलब है पहली रो, पहला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, दूसरा करता है कॉलम को, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है, समझो बात को। यहां पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। अब वैल्यू निकालिए यहां पर, 1/2, ये -3×1+2, इसका मोड हो जाएगा। वैल्यूज रखते जाइए भाई, सवाल हो जाएगा -3+2 कितना आंसर आएगा भाई, माइनस का 1 बचेगा जो बाहर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ही हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपको कोई भी अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। मोड का मतलब भी मैंने समझा दिया है, रो पहले सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना बहुत जरूरी है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसको लिख लिया करो, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और ऐसा एक सवाल आपके ट्वेल्थ के एग्जाम में जरूर आता है, चाहे आप किसी बोर्ड में हो, इंपॉर्टेंट ये सवाल होते हैं, कंस्ट्रक्ट एक आपको बनानी होती है मैट्रिक्स। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई है उसकी वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रीवियस क्लास में देख सकते हो। डेली एक क्लास आप लोगों के लिए, हम मैट्रिक्स को पूरा हम खत्म करेंगे, देन कंप्लीट हम एक्सरसाइजेस करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ।